आमना सामना मीडिया नेटवर्क की टीम इस वक्त जो है सुल्तान रजा मस्तान साहब के ऑफिस में है। यहाँ पर बिजनेस मीटिंग जारी है और इस बिजनेस मीटिंग में एक साहब है, बहुत ही मशहूर शख्सियत है, रियाज अहमद भाटी साहब। रियाज अहमद भाटी साहब के ताल्लुक से मैं ये कह सकता हूँ कि ये इंडियन स्पोर्ट्स एकेडमी के प्रेसिडेंट है और इन्होंने, आप जानते होंगे या बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि दीपा कर्माकर ओलंपिक जिम्नास्टिक चैंपियन है, जिन्होंने बहुत सारे गोल्ड मेडल हासिल किए और दीपा कर्माकर की जो इस कामयाब सफर में रियाज भाटी साहब का बहुत बड़ा अहम रोल है। इन्होंने दीपा कर्माकर को यहाँ तक पहुँचाने में बड़ी जद्दोजहद की है, उनके लिए काफी कुछ जो है खिदमत अंजाम दी है। आइए जानते हैं रियाज अहमद भाटी साहब से ही दीपा कर्माकर के ओलंपिक के सफर के ताल्लुक से। रियाज अहमद भाटी साहब, एक्चुअली मैं आपको थोड़े सी बारे में बताना चाहता हूँ कि दीपा कर्माकर ये नाम इंडिया के लिए बहुत फख्र से लिया जाना चाहिए। दीपा कर्माकर के कोच है मिस्टर नंदी, उन्होंने उसको ट्रेन किया, मैं उनका प्रेसिडेंट हूँ और मेरी तरफ से जो उनको फैसिलिटी जो सपोर्ट चाहिए था मैंने उनको दिया। वो लास्ट ओलंपिक में वो गई थी, फोर्थ आई थी, वर्ल्ड में फोर्थ आई थी। पहली बार इंडिया में 52 इयर्स में कोई लड़की क्वालिफाई हुई थी, वो दीपा कर्माकर। उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उनको इतना सराहाया और उनसे हमसे पूछा कि आप लोगों को क्या चाहिए। हम लोगों के पास इक्विपमेंट की थोड़ी कमी थी। दीपा ने कहा कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये इक्विपमेंट चाहिए। उन्होंने वो इक्विपमेंट चार्टर्ड प्लेन से एक ही रात में उनको मंगा के दिया। आज वो उस इक्विपमेंट पे प्रैक्टिस करके आज वर्ल्ड कप में 2018 में गोल्ड मेडल मारा, ये हमारे लिए प्राउड की बात है। इस बीच में दीपा के बारे में एक छोटी सी और बात बोलूँगा, 2 साल वो इंजरी में थी, उसके पैर में इंजरी थी। लोगों ने तो ये तक कह दिया था कि अब दीपा फिर से ये जो वर्ल्ड है वो नहीं कर पाएगी क्योंकि वो डेड वर्ल्ड है। फिर भी उसने सिर्फ अपने देश के मेडल के लिए, अपने देश को ऊंचा पहुंचाने के लिए उसने गोल्ड मेडल लाया और मैं दीपा का, नंदी का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उनके वजह से हमारा जिम्नास्टिक आज पूरी दुनिया में छाया हुआ है। हिंदुस्तान में भी ऐसा हो गया कि जिम्नास्टिक कुछ है, बिकॉज ऑफ दीपा आज हम लोग जाने जाते हैं। देखिए, मैं स्पोर्ट्स में हूँ, मैं जानता हूँ कि स्पोर्ट्स क्या है। आज अगर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ने, नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर है जो राजवर्धन जी राठौड़, इनको नहीं लाया होता तो स्पोर्ट्स जितने फास्ट ग्रोथ नहीं करता, क्योंकि हमेशा हमको जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर मिलता है ना वो स्पोर्ट्स लाइन के नहीं होते, ये ओलंपियन है, इनको पता है कि स्पोर्ट्स क्या है, बच्चे की नीड क्या है, स्पोर्ट्स पर्सन की नीड क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी डाइट क्या होती है, उसको कोच कैसा चाहिए, कैसे खेलेगा, नेशनल कैसे खेलेगा, इंटरनेशनल कैसे जाएगा। जिसको ये जानकारी होती है ना वही इसमें आगे बढ़ सकता है। अब डॉक्टर होता है जो पेट का डॉक्टर अलग होगा, आंख का डॉक्टर अलग होगा, उस हिसाब से इनको सही जगह पर प्राइम मिनिस्टर ने लाया। मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने स्पोर्ट्स में इतने बेहतरीन स्पोर्ट्स मिनिस्टर ला के हम लोगों को बहुत हेल्प किए। दूसरा, दीपा अब एशियन चैम्पियनशिप में जा रही है। मैं फख्र से बोलता हूँ कि दीपा इस बार 2 गोल्ड मेडल मारेगी, 2 गोल्ड मेडल लाएगी इंडिया के लिए। और हमारा राकेश पात्रा, ये हमारे मेंस में रिंग में है, जिम्नास्टिक का ये भी हीरो है, मीडिया ने उसको नहीं सराहाया, वो फोर्थ आया इस बार, कोई बात नहीं। हम लोगों को हमेशा एप्रिसिएशन नहीं मिलता है, कभी हम लोगों को थोड़ा दुख भी देखना पड़ता है, वो फोर्थ आया है। अब वो इस बार एशियन चैम्पियनशिप में वो भी गोल्ड मेडल मारेगा और मैं दोनों को फख्र से बोलूँगा कि उन्होंने जिम्नास्टिक का नाम ऊंचा कर दिया। और मैं सब स्पोर्ट्स वालों को बोलूँगा कि दीपा एक एग्जाम्पल है कि इंजरी से डरना नहीं चाहिए, इंजरी से फिर खड़े होने की ताकत होनी चाहिए। देखो, 2 साल हॉस्पिटलाइज, 2 साल ट्रीटमेंट लेने के बाद फिर से उसने वो वर्ल्ड किया जिसको डेथ वर्ल्ड बोलते हैं। थैंक यू, मैं रजा साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मस्तान फाउंडेशन की तरफ से मेरा इस्तकबाल किया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मस्तान रजा साहब का और उनके सब दोस्तों का कि हमारी ये मीटिंग के दौरान उन्होंने मुझे इस स्पीच के लिए, इस टीवी इंटरव्यू के लिए बोला।
थैंक यू वेरी मच। रियाज सर, एक सवाल ये और है कि जो ये आप स्पोर्ट्स के लिए काम कर रहे हैं, तो ये सहूलियात जो आप देते हैं, तो ये कहाँ से आपको रिसोर्स, किस देखिए कुछ तो हम अपने खर्चे खुद के जेब से करते हैं। देखिए मैं एक आपको बोलता हूँ, मुझे दिली खुशी होती है किसी स्पोर्ट्स पर्सन की मदद करने से। मैं अपने खर्चे से कई स्पोर्ट्स पर्सन को इंटरनेशनल भेज चुका हूँ, कितने को किट दिला चुका हूँ, कितने की इंजरी के लिए उसको हॉस्पिटल में हेल्प कर चुका हूँ। मैं आज से 6 साल पहले ब्राज़ील गया था, इंडिया के छोटे छोटे बच्चों को ISF इंटरनेशनल स्कूल फेडरेशन की तरफ से मुझे यहाँ से एज ए डेलीगेट करके इंटरनेशनल भेजा था। मैंने उनका दुख देखा है, उनके पास कुछ पैसे नहीं होते, खाने के लिए फैसिलिटी नहीं है, फिर भी बच्चे सिर्फ इंडिया के मेडल के लिए अपनी जान दे रहे हैं। तो क्या हम थोड़ा सा कुछ नहीं कर सकते खुद के लिए? ये मुझे दिली सुकून मिलता है जब मैं किसी बच्चे किसी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कुछ करता हूँ। तो रियाज साहब, हम जो है बहुत बहुत आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि गीता ने कुछ 22 मेडल 67 मेडल जीते हैं, हाँ 67 मेडल, जिसमें 22 मेडल गोल्ड है। जो आपने डॉक्यूमेंट्री बताई हमें, हमने देखा यहाँ पर, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ कि जैसे मैं एक बहुत छोटा इंसान हूँ, मैं चाहता हूँ हर बिजनेसमैन जिसका बड़ा बिजनेस है वो एक स्पोर्ट्स पर्सन को अडॉप्ट करे। उसका साल का खर्चा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत थोड़ा होता है, वो खर्चा उठाए और उसको ये कोशिश करे कि उसको ओलंपिक तक लेके जाए। बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, छोटे खर्चे में अगर हम सब मिल के करेंगे तो हो सकता है चाइना जैसा हमारा मेडल टैली नंबर 1 पे आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आमना सामने से बात करने के लिए। थैंक यू यार सब, बहुत बहुत थैंक यू।